गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास आई होप यू ऑल आर फाइन सो आज का जो आपका होमवर्क है वो है चैप्टर नाइनटीन इंग्लिश टू आई विल टेल यू हाउ द सन रोज़ ठीक है जिसमें आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आज हम करेंगे ग्रामर स्टडी ठीक है जिसमें आपको जो अपनी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज ई एफ एंड जी वो आपको अपनी बुक में करनी है राइट right? सो so, अच्छा अब ई एफ एंड जी एक्सरसाइज में आपको क्या बताया गया है ये है आपकी प्रपोजिशंस राइट right? देखो प्रपोजिशंस आपने अपनी इंग्लिश वन में पढ़ी हुई है क्या होती हैं प्रपोजिशंस आपके वो वर्ड्स होते हैं जो रिलेशनशिप बताते हैं नाउन या प्रोनाउन का किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस के अंदर राइट right? और अगर आपको तब भी कोई प्रपोजिशन में अगर आपको कोई डाउट लगता है इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट प्रपोजिशंस देन यू कैन वॉच द वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल सुकृत एस एच पी एस आप उसमें जाकर देख सकते हैं और ये ये मैंने आपको पहले भी चैप्टर करवाया हुआ है अगर आपको तब भी कोई डाउट होता है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं ठीक है प्रपोजिशंस का अच्छा अब आपको एक्सरसाइज ई e में क्या करना है एक्सरसाइज ई e में आपको सर्कल करना है करेक्ट प्रपोजिशंस पर जो भी आपको ब्रैकेट में दिए हुए हैं आपके पास तीन है ऑप्शन उसमें से आपको जो भी करेक्ट है उस पर आपको क्या करना है सर्कल करना है जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप फर्स्ट आई हैव हर्ड लॉट अब आपके पास क्या है ऑप्शन फॉर अबाउट एंड ऑन राइट दिस प्लेस एंड आई एम वेरी कीन टू विजिट It. तो अब आप जैसे अगर साउंड करेंगे से, से, करेंगे इसे इसे जब प्रोनाउंस तो आपको लगेगा कि कौन सा आपका होना चाहिए फॉर होना चाहिए अबाउट होना चाहिए या ऑन होना चाहिए तो जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा उस पर आप क्या करेंगे सर्कल करेंगे राइट नाउ है नेक्स्ट आपका एफ एफ में आपको क्या करना है एफ में आपके पास सिर्फ आपको थ्री प्रेपोजिशन uh, दी हुई हैं अब थ्री प्रेपोजिशन ही आपको यूज करनी है जो भी आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग करेक्ट आएगी फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए सलमा वेक्सअप डैश सिक्स ओ क्लॉक एवरी डे टू गो टू स्कूल राइट तो इसमें अब क्या 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 आना चाहिए आपका सलमा वेक्स अप एट सिक्स ओ क्लॉक ठीक है तो इसमें ऐट आ गया तो इसी तरीके से जो भी आपके करेक्ट इन तीनों में से प्रपोजिशन होगी वो आए, आपकी इसके अंदर आएगी ठीक है क्वेश्चन नंबर जी में भी आपका है प्रपोजिशन फेज फेजेस ठीक है इसमें आपको क्या करना है इसमें आपको ब्रैकेट में आपको ऑप्शन दिए हुए हैं ऑन बिहाफ ऑफ इन फ्रंट ऑफ इन केस ऑफ एट the एंड ऑफ ठीक है ये चार आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और चार ही आपके पास ब्रैकेट्स हैं तो आपको करेक्ट वर्ड इन प्रॉपर इन सेंटेंसेज में इन फिलिंग द ब्लैंक को फिल करना है विद द करेक्ट ऑप्शन राइट तो ये आपके पास आज की एक्सरसाइज है ई एफ एंड जी अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क मी ठीक है सो इसके बाद आपका ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा ठीक है देन आफ्टर दैट आई विल सेंड यू द आंसर की ओके थैंक यू